नोएडा से ये बड़ी खबर है। नोएडा के सेक्टर 3 में भीषण आग लगी है। केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मचा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशों में लगातार टीम लगी हुई है। ये जरा तस्वीरें आप देख सकते हैं, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। देखिए, जहां केमिकल फैक्ट्री होती है वहां पर आग और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है केमिकल्स के कारण। ऐसे में केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया है। काला धुआं आप देख सकते हैं, किस तरीके से इस केमिकल फैक्ट्री से काला धुआं उमड़ रहा है और बादलों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ नोएडा से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। निशांत, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां? देखिए, अपडेट ये है कि ये कंपनी जो बताई जा रही है फैक्ट्री, वो प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री बताई जा रही है, जो कि प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाया करती है। हालांकि यहाँ पर उस समय मजदूर काफी संख्या में काम कर रहे थे, तो अचानक से आग लगती है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मौके पर जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे एडिशनल पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, डीसीपी की बात की जाए, एसीपी की बात की जाए, या सीएफओ फायर विभाग की बात की जाए, तमाम अधिकारी पूरी मशक्कत करने में जुटे हुए हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये देखा जा रहा है, लगभग आधा दर्जन जो दमकल की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी समय हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आग काबू से बाहर है और लगातार जो है बड़ी मशक्कत जो है पुलिस के अधिकारी, पुलिस फोर्स लगातार कर रही है। अच्छा निशांत, सभी सेफ तो है ना? हाँ, देखिए बिल्कुल अभी तक जो जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये क्लियर है कि आग जो है काफी गंभीर रूप से भीषण आग का रूप पकड़ लिया है। और आग जो है प्लास्टिक की ये कंपनी है जहाँ प्रोडक्ट बनाया करती थी, इसके अंदर ये आग लगी है। और कहीं ना कहीं अब जो है फायर की गाड़ियां लगातार जो संख्या है उनकी बढ़ाई जा रही है, लगातार इस पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और फायर जो आग पर काबू पाने का प्रयास पुलिस के अधिकारी और तमाम जो फायर विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया निशांत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, फिलहाल जानकारी ये मिल पा रही है कि ये एक प्लास्टिक का सामान खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी जहाँ पर ये प्लास्टिक का सामान तैयार होता था। यहाँ पर भीषण आग लगी, जैसे ही आग लगी वहाँ पर हड़कंप मच गया। निशांत लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आप निशांत बता रहे हैं कि वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की तमाम कोशिशें लगातार चल रही हैं।